आज का जो न्यू टॉपिक है बच्चों, मोर्स एटॉमिक मॉडल बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों। और एक बार अगर पूरी तरह से वीडियो देखते हैं तो फनफना के दिमाग में इस तरह से घुसेगा कि निकलेगा तभी जब आप एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश करें। तो आज का टॉपिक है बच्चों, इसको लिखा जाए बोर्स एटॉमिक मॉडल। और इस मॉडल में जो है बच्चों, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल जो है उसके डिमेरिट को दूर करने का प्रयास किए बोर साहब। चलिए, फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने कहा कि एटम का जो शेप होता है स्फेरिकल होता है, उसके बीच में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे एटम का शेप हो गया बच्चों स्फेरिकल, इसके बीच में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है बच्चों, डायमीटर होता है 10^-13 cm, या इसी को आप बोल सकते हैं 10^-15 मीटर। एटम का जो डायमीटर होता है, ये सब चीज पॉइंट को याद रखना जरूरी है बच्चों, 10^-8 cm या 10^-10 मीटर। सेकेंड पॉइंट जो है बच्चों, मोस्ट वीवीआई पॉइंट है, इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट विद फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स्ड वेलोसिटी। यानी इसमें सभी फिक्स है। रदरफोर्ड साहब कहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन डिफरेंट सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इसके बाद कहीं कोई चर्च नहीं की। लेकिन इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करता है, जिसका एनर्जी भी फिक्स होता है और उसका वेलोसिटी, यानी ऑर्बिट जो है बच्चों इसका क्या है, ऑर्बिट फिक्स्ड है, एनर्जी क्या है फिक्स्ड है, वेलोसिटी क्या है फिक्स्ड है, और रेडियस क्या है फिक्स्ड है। मोस्ट वीवीआई पॉइंट, इससे भी मोस्ट वीवीआई जो है सेकेंड पॉइंट है। व्हाइल रिवॉल्विंग इन ए पार्टिकुलर सर्कुलर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन नाइदर गेन एनर्जी नॉर लूजेज एनर्जी। कहता है इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट पर मूव करता है, वो तो ठीक है, कहता है जब घूमता है तो इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी को गेन करता है और ना ही एनर्जी को क्या करता है, लॉस करता है। यानी एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, या तो इसी को बोल सकते हैं सेल, क्या है फिक्स्ड है। और इसका नया नाम दिया गया, यानी सेल अस्टेशनरी एनर्जी लेवल। अब कहता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये तो न्यूक्लियस हो गया, फिक्स्ड ऑर्बिट ए हो गया, इसके बाद ए हो गया। अब यहां जो है बच्चों एन का मान वन होता है, यानी एन का मान वन है तो एल नाम रखा गया। एन का मान अगर टू है, यानी सेकेंड ऑर्बिट है ना, यहां जो है बच्चों के से स्टार्ट होता है, यहां जो है एल रखा गया। एन का मान अगर थ्री है तो एम रखा गया, एन का मान अगर फोर है तो क्या रखा गया, एन रखा गया है। इसके बाद मोस्ट वीवीआई पॉइंट बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स
ओनली इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम जिसको बच्चों एल से रिप्रेजेंट करते हैं इज इंटीग्रल मल्टीपल एच बाई टू पाई मोस्ट वीवीआई पॉइंट कहता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा इसमें ओनली इन दोज सर्कुलर उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा वो फोर एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल एच बाई टू पाई। जैसे बच्चों एटम का शेप इस प्रकार से है पॉजिटिव है ये सर्कुलर ऑर्बिट है इस प्रकार से अब यहाँ बच्चों एन का मान वन है तो यहाँ क्या होगा एच बाई टू पाई अब सीधे दुगना हो जाएगा यानी टू एच बाई टू पाई यानी एच बाई टू पाई एच बाई पाई हो गया तिगना हो जाएगा यानी थ्री एच बाई टू पाई फिर चौगना हो जाएगा इस तरह से इंटीग्रल मल्टीपल होगा एंगुलर मोमेंटम। अब बच्चों यहां तक नोट किया जाए एक लाइन यहां बच्चों और कर दिए एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर बाई यहां कर दीजिए एन एच बटे टू पाई एन जो है बच्चों इंटीग्रल है वन टू थ्री फोर जितना दे सकते हैं एन एच बाई टू पाई इसको बच्चों इक्वेशन वन मान लीजिए कैलकुलेशन जब होगा तो इसमें आपको हेल्प मिलेगा। लास्ट पॉइंट बच्चों और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट इसको ध्यान दिया जाए आसानी से सीखेंगे द इलेक्ट्रो अस्टेटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स कहता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स एग्जिस्ट होता है वो प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल जैसे बच्चों ए रहा आपका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन मूव करता है इलेक्ट्रॉन रहा अब इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों घूम रहा है तो कोई फोर्स होगा तभी तो घूम रहा है उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है बच्चों एम वी स्क्वायर बटे आर है ना। अब कहता है कि इसमें इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स जो है बच्चों इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स जो है ये घुमा रहा है इलेक्ट्रॉन चारों तरफ है ना घुमा रहा है यहाँ से यहाँ तक इसका जो हो गया बच्चों क्या हो गया रेडियस हो गया इसमें दो चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और एक न्यूक्लियस का चार्ज जो जेडी है या इसको ऐसे कर सकते हैं Q1 एक Q2 और बीच में जो है बच्चों डिस्टेंस है आर है ना। तो कहता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स जो होता है प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल और ए जो होता है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर। अब यहाँ जो है बच्चों ऐसे कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE इंटू ई यानी ZE स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बराबर हो गया एम वी स्क्वायर बटे आर इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए कैलकुलेशन में हेल्प होगा बच्चों यहीं तक नोट कीजिए।